हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज के इस अनबॉक्सिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। सो गाइस, पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया किया गया है और आप देख ही सकते हैं कि इतना सारा कवरिंग्स के बाद भी एक कार्डबोर्ड कवरिंग है इसके अंदर। सो बुक्स डैमेज होने का तो कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। सो गाइस, वी हैव रेड स्ट्रिक पब्लिकेशन कॉमिक्स टुडे एंड आज के इस अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू के साथ साथ मैं इन दो कॉमिक्स का रिव्यू भी करने वाला हूँ। और आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट स्पीकर, रेड स्ट्रिक पब्लिकेशन का CEO अभिषेक बोस, हु ऑल्सो हैपन्स टू बी द राइटर ऑफ दिस टू कॉमिक्स। सो गाइज, ये रहा कुछ फ्रीबीज, एक कार्ड और एक बुकमार्क। और गाइज, इन कॉमिक बुक्स का जो डायमेंशन है, इट इज़ अ बिट स्मॉलर देन US स्टैंडर्ड साइज, सो या देर इज दैट, बट प्रिंटिंग और पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बाइंडिंग भी काफ़ी बढ़िया है। द आर्टवर्क ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट वेरी अपीलिंग एक्चुअली, बट इन सब के बारे में मैं डिटेल्स में रिव्यू सेगमेंट में डिस्कस करूंगा दोस्तों। फिलहाल आपको बस और कुछ पेजेस दिखाता जाऊंगा। सो बेसिकली यही था इशू 1 का ओवरव्यू एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द सेकेंड इशू, अधीश एपिफेनी। द कवर आर्ट लुक्स प्रीटी गुड एक्चुअली, आई मीन इट इज़ अ शार्प इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द फर्स्ट इशू। लेट्स सी सम ऑफ द इनसाइड पेजेस। यप, बेटर, मच बेटर लुकिंग। और पेजेस से रिफ्लेक्टिव ग्लेयर देखकर तो आप लोग अंदाजा लगा ही चुके होंगे दोस्तों कि ये प्रिंटिंग ग्लॉसी पेजेस में किया गया है। एंड नाउ दैट वी आर डन विद द ओवरव्यू सेगमेंट, लेट्स लिसन टू व्हाट द मैन हिमसेल्फ हैज टू से। सो आई वेलकम यू द कर्ता धर्ता ऑफ रेड स्ट्रिक पब्लिकेशन, अभिषेक बोस। Abhishek Bose of Red Streak Publications, and for no good reason, I wanted to have these two Batman with me in this video. So, मैं भी आप लोग की तरह कॉमिक फैन हूँ, मैं नागराज और राज कॉमिक्स पर के बड़ा हुआ हूँ। सो दिस अधीश सीरीज इज समथिंग दैट आई, दिस इज अ स्टोरी दैट आई रोट इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में ही जब मूवीज देखता था और फिर घर आके उस पर उन्हीं किरदारों पर अपनी खुद से कहानियाँ बनाने लगता था, क्योंकि मैं ये कॉमिक बुक्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सुपरमैन, बैटमैन, मार्वल, डीसी के साथ आई लव इंडियन कॉमिक्स एंड आई वांट समथिंग न्यू, आई वांट टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम माय साइड। इसी वजह से मैंने दो बुक लिखी, अधीश, फर्स्ट वन इज़ एशेस अधीश ओरिजिन्स एंड सेकेंड वन अधीश एपिफेनी। सो आई हैव बीन गॉन फॉर सम टाइम, आई वॉज यू नो रिसर्चिंग एंड काइंड ऑफ सेल्फ इम्प्रूविंग माई सेल्फ to be better in this genre. So I am now planning to come back with the third issue of this series. Will be, you know, it will be the conclusive part, and this is something else that I have been working on. And along with that, two more projects are in line, and we'll announce those soon. I'm very excited to know nayi kahaniyan lane ke liye jo Hindustan ke roots se judi hon. Yep, so yep, hopefully, thank you Neo Comics for this platform, and hopefully aapko ye comics pasand aaye. I'm looking forward for Manish's review on my books. So guys, now it's review time. So ye raha mere left hand side mein Ashes, which is Adhish Origins, aur ye raha issue 2, Adhish Epiphany. So pehle Origins ke saath hi shuruaat kiya jaye. सो गाइज, जैसे आप देख सकते हैं कवर आर्ट में इट इज़ नॉट दैट अपीलिंग एक्चुअली, बट लेट्स नॉट टॉक मच अबाउट दैट एंड स्टार्ट विद द स्टोरी फर्स्ट। सो गाइज, स्टोरी इज अबाउट द प्रोटैगनिस्ट आदि। सो आदि एक नॉर्मल टीनेजर जैसा ही बंदा है, बट ड्यूरिंग अ टेररिस्ट अटैक एट वन प्लेस ही एक्सप्लोर्स दैट ही इज नॉट वेरी ह्यूमन, मतलब उसके अंदर कुछ छुपा हुआ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है जो उसे उस अटैक के दौरान जो वो रेस्क्यू कर रहा था लोगों को, तब उसको वो रियलाइजेशन होता है। तो उसके बाद एक के बाद एक मिस्ट्री क्रिएट होता रहता है कि एक्चुअली आदि का ओरिजिन क्या है, उसको ये पावर्स कहाँ से मिला,
उसको ये पता चलता है कि हिज एक्चुअल पेरेंट्स, जिसको वो आज तक मम्मी पापा समझते थे, दे आर नॉट हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स. सो बहुत सारा मिस्ट्रीज क्रिएट किया जाता है एंड दिस इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ द होल स्टोरी एक्चुअली. सो ये जो मिस्ट्रीज क्रिएट होते हैं ये कैरी फॉरवर्ड होता है इशू 2 यानी कि एपिफेनी में, बट आई विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर सम टाइम. सो गाइस बेसिकली दिस वाज द प्रीमिस ऑफ द फर्स्ट इशू एंड या दैट्स इट. इट इज एक्शन पैक्ड, इट इज क्वाइट फास्ट पेस्ड, बट समटाइम्स इट विल बी अ बिट टू बोर्ड बिकॉज द स्टोरी टेलिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क. फ्रेंकली गाइज मुझे पढ़कर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था. आई वॉज नॉट यू नो ग्रेस्पिंग द होल प्रॉस्पेक्ट वॉट द राइटर वॉन्ट्स टू से, सो आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट दैट वेल. और उसका मेन रीजन मुझे यही लग रहा है कि द राइटर हैज नॉट डन अ गुड इनफ जॉब, जिसकी वजह से हम इस कॉमिक्स को पढ़ते हुए भी इसका दुनिया का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे. आई वॉज फीलिंग अलूफ द होल टाइम, आई वॉज नॉट इनग्रॉस्ड इन द स्टोरी एट ऑल एंड आई डिडंट लाइक इट एक्चुअली. एंड इट्स नॉट जस्ट द स्टोरी टेलिंग विच इज स्लॉपी, इसका आर्ट वर्क भी आप देख सकते हैं कि इट इज वेरी सब पर. एंड वॉट इज वर्स इज द कलरिंग, मतलब आर्ट वर्क तो ऑलरेडी बिलो एवरेज है, देर इज नो यू नो प्रॉपर फिगर डायनामिक्स, एनाटॉमी भी बहुत बिगड़ा हुआ है, परस्पेक्टिव भी बहुत जगह मिस्ड अप है, बट लुक एट द कलर्स. द कलरिस्ट हैड ऑल द एसेंशियल टूल्स टू इम्प्रूव द आर्ट वर्क बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बट यहाँ पर देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इट इज जस्ट फ्लैट कलर्स विथ सम सबटोन्स एंड इट्स नॉट ल्यूक्रेटिव एट ऑल. मतलब आपको ना वो इंटरेस्ट ग्रो ही नहीं हो पाएगा कि आप इसे पढ़ें, इसे कंटिन्यू करें और ख़त्म करें. सो उतना भी मज़ेदार नहीं लग रहा था. इशू 1 हैड डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट एंड दैट इज़ वाई मैं जब इशू 2 भी स्टार्ट किया आई वॉज वेरी हाफ हार्टेड इन माई अप्रोच, बट आई मस्ट पॉइंट आउट द फैक्ट दैट इशू 2 चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी गाइज, बिकॉज इशू 2 में हर एक फैक्टर जो यहाँ पर लैगिंग था वो सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट किया गया है. आप सिंपली एक कवर आर्ट देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इशू 2 में ज़्यादा एफर्ट डाला गया है. अब जब मैं इनसाइड पेजेस फ्लिप करूँगा तब आपको ये कन्फर्मेशन हो जाएगा. सो गाइज लेट मी जस्ट शो यू सम ऑफ द इनसाइड पेजेस एंड स्ट्रेट ऑफ आप देख सकते हैं कि कलरिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है. दैट इज़ बिकॉज नवल थानावाला इज़ द कलरिस्ट इन दिस इशू. सो गाइज पहले मैं क्रिएटर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ के क्रिएटर्स कौन कौन है. सो गाइज अभिषेक बोस इज द मेन राइटर एंड यहाँ पर एक्चुअली क्लैरिटी से मैंशन नहीं किया गया कि कौन कौन राइटर है, कौन एडिटर है, कौन लेटरर है, बट रीडिंग दिस एंड जजिंग बाई द थिंग्स दैट इज रिटन ओवर हियर आई गेस राहुल आर इज द एडिटर एंड लेटरर आई गेस एंड नमिता पैटेल इज को राइटर काइंड ऑफ, विश्वजीत रॉय इज द पेंसिलर एंड शहाब खान इज द कलरिस्ट. सो दैट इज बेसिकली द टीम इन इशू 1 एंड इशू 2 का टीम में देखते हैं कौन कौन है. सो अभिषेक बोस अगेन द राइटर, देर इज राहुल आर एंड विश्वजीत रॉय द पेंसिलर, गिरीश मालव इज द इंकर एंड नवल थानावाला इज द कलरिस्ट. सो टीम में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है फ्रॉम इशू 1 टू इशू 2 एंड एज अ रिजल्ट देर इज ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट राइट ऑफ द बैट. सो दोस्तों बस ओवरऑल कलरिंग या एडिटिंग ही नहीं, इसका जो स्टोरी टेलिंग है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट मुझे देखने के लिए मिला. आई वॉज लिटरली हुक्ड ऑन टू इट एंड आई वॉज एनग्रॉस्ड इन द होल स्टोरी और मोर ओवर आई थिंक दिस वॉज जस्ट 36 पेजेस और समथिंग लॉन्ग, सो इट वॉज शॉर्टर देन एशेस एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ क्रिस्पर एंड मोर एन्जॉयबल रीड एक्चुअली. सो मुझे इशू 2 में काफ़ी मज़ा आया दोस्तों एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इशू 3 बिकॉज इशू 1 का ढेर सारा मिस्ट्रीज इशू 2 में तो सॉल्व हुआ है, लेकिन इशू 2 ऑन एन इटसेल्फ हैज क्रिएटेड न्यू मिस्ट्रीज एंड देर इज अ ब्रॉड न्यू स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज टू प्ले विथ इन अपकमिंग इशूज एक्चुअली. सो देर इज सम यू नो एलियन गॉड काइंड ऑफ कंसेप्ट्स ओवर हियर एंड हियर आर 9 टेक्स ऑफ नॉलेज. सो काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स बिल्डअप किया गया है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इशू. सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट द 3rd इशू एक्चुअली नाउ. And from what I have heard from Abhishek Bose, issue 3 is going to be even better. So yeah, let's see how things roll out for Adhish. So basically that's all about the story and artwork. But one more thing that I would like to point out is the lettering could be improved a lot. मतलब बस font ही नहीं, इसका जो alignments है आप देख सकते हैं कि ये left aligned है, जबकि speech bubble में center alignment होना चाहिए. इसका जो font है it does not look very comical either. वो बस इशू 1 में नहीं, इशू 2 में भी यही प्रॉब्लम है. द फॉन्ट नीड्स टू चेंज और शुड आई से द फॉन्ट मस्ट चेंज एक्चुअली. सो गाइज फॉन्ट ही नहीं बस अलाइनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा इधर एंड एज यू कैन सी इट इज स्टिल लेफ्ट अलाइंड. और अगर कुछ कुछ जगह में सेंटर अलाइनमेंट भी हो रहा है फिर भी स्पीच बबल को ठीक से फिल नहीं किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू दिस वन हियर. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देर आर 3 लाइन्स इन दिस स्पीच बबल. सो गाइज जो पहला लाइन है उसमें इट शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स, पहला और आखिरी लाइन शुड हैव द लीस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स ताकि पूरा स्पीच बबल ठीक से फिल हो पाए. और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. लेट्स सी हियर. सो या यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह सेंटर अलाइंड है, इट इज़ नॉट लेफ्ट अलाइंड लाइक दिस वन.
सो ये पूरा लेफ्ट अलाइंड है और इसलिए यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है एंड डज नॉट लुक प्रोफेशनल एट ऑल, बहुत ज्यादा एमेच्योरिश लगता है एंड दैट टेक्स अवे अ लॉट फ्रॉम द रीडिंग एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। बट यहाँ इस पिच बबल में हम देख सकते हैं ये सेंटर लाइन है बट फिर भी बहुत सारा गैप्स है। इट इज़ बिकॉज जो पहला लाइन है इट इज़ द लॉन्गेस्ट एक्चुअली इफ यू सी एंड लास्ट लाइन टू। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहला लाइन शुड बी द शॉर्टेस्ट एंड सो शुड बी द लास्ट लाइन। फिर जो सेकेंड लाइन है या फिर द सेकेंड लास्ट लाइन है दैट शुड बी अ बिट लॉन्गर। बीच में जो लाइन्स है दैट शुड बी द लॉन्गेस्ट एक्चुअली सो दैट द होल स्पीच बबल इज फिल्ड। बट अगर ऐसा रहेगा तो देर विल प्लेंटी ऑफ स्पेसेस एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्पीच बबल विल ऑल्सो बिकम लार्जर जिसकी वजह से आर्ट वर्क ढक जाएगा एंड ओवरऑल इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल एज आई ऑलरेडी सेड। सो गाइज बेसिकली यही था मेरा फीडबैक, नाउ इट्स टाइम फॉर द रेटिंग। सो एशेस को मैं स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 2 out of 5 और आर्ट वर्क के लिए 1 out of 5, सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 3 out of 10। अधीश एपिफेनी को मैं देने वाला हूँ स्टोरी के लिए 4, आर्ट वर्क के लिए 3 बिकॉज ऑल्दो द कलरिस्ट हैज डन अ गुड जॉब द पेंसिलर एंड इंकर डज नीड टू इम्प्रूव देयर वर्क्स अ बिट। सो गाइज इसको मिलता है टोटल 7 out of 10। सो अगर मैं टोटल ओवरऑल करूँ तो इट गेट्स 5 out of 10 सो फार, बट लेट्स सी हाउ अधीश इशू 3 टर्न्स आउट टू बी। And as I have said guys, issue 1 was really difficult to go through, but issue 2 really paid off. मतलब इससे जितना torture मुझे feel हो रहा था, issue 2 पढ़ने के बाद, I was actually kind of happy about it. So you can definitely give it a try guys. I would highly suggest you to give it a try actually. So basically इन दोनों को मिलाकर आपको लगभग 90 pages का content मिल जाएगा। इसके आगे story continue होने वाला है और बहुत जल्द issue 3 आने वाला है इस series का, और उसके साथ साथ कुछ और भी projects पर काम चल रहा है जैसे कि हमारा अभिषेक जी इस video में already कह चुके हैं। So I am really excited to see what Red Streak Publication brings in the future. बट फिलहाल यही था मेरा आज का रिव्यू। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ऑर्डर करके खुद पढ़ सकते हैं। और बहुत जल्द मैं नियो कॉमिक्स पर एक गिवे अवे भी अनाउंस करने वाला हूं एंड रेड स्ट्रिक पब्लिकेशन इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो या गाइस दैट्स बेसिकली इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कीजिए इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। सो दोस्तों मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।